नमस्कार, जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जदयू स्थानीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में 75% टिकट समर्थन देगा एसटी एससी ओबीसी को। जबलपुर में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जदयू के प्रदेश अध्यक्ष सुरोज जायसवाल ने कहा कि जिस प्रकार से माननीय उच्चतम न्यायालय में पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने मिले जुले ढंग से नूरा कुश्ती के माध्यम से जो खेल खेला है, उसका दूरगामी परिणाम मध्य प्रदेश के सिर्फ स्थानीय निकाय चुनाव पर ही नहीं पड़ने वाला है, बल्कि इसका असर पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर पूरे देश में पड़ने वाला है। कांग्रेस कभी पिछड़े वर्ग के आरक्षण के समर्थन में नहीं थी, तभी उनसे मंडल आयोग की सिफारिशों को अपने शासनकाल में लागू नहीं किया गया, और जब जनता दल की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया, तब भाजपा जो कि संयुक्त सरकार में थी, उसने मंडल के विरोध में कमंडल यात्रा निकाली और मंडल आयोग का विरोध किया था। इतिहास साक्षी है, यह दोनों दल कभी भी पिछड़े वर्ग के आरक्षण के हितैषी नहीं थे। अगर मध्य प्रदेश में बगैर पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिए चुनाव होते हैं तो जनता दल यू एसटी एससी ओबीसी वर्ग को 75% टिकट देगा। साथ ही साथ जनता दल यू मध्य प्रदेश पिछड़े वर्ग के तमाम नेताओं से जो भाजपा कांग्रेस से संबंधित है, आग्रह करता है कि उनके अधिकारियों का हनन करने वाले राजनीतिक दलों से टिकट की गुजारिश ना करें। जदयू हमेशा पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के साथ खड़ी है और उन्हें खुले दिल से चुनाव लड़ाने के लिए तैयार है। पत्रकार वार्ता में जबलपुर के जिलाध्यक्ष सुभाष जायसवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष नेमा, एडवोकेट अशोक बैन, डॉक्टर महेश सुंधिया, इमाम खान, रवि प्रकाश जायसवाल, मोहन दुबे आदि उपस्थित थे। सुनने का, हमें अपनी बात आपके समक्ष रखने का जो अवसर मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप सभी अवगत हैं कि जो मध्य प्रदेश में वर्तमान में स्थानीय निकाय और पंचायतों को लेकर जो स्थिति बनी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं, उससे मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग है, वो अपने आरक्षण के अधिकार से वंचित होने जा रहा है। अब सवाल इस बात का है कि ये स्थिति और परिस्थिति बनी क्यों? मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव पहली बार नहीं हो रहे। मैं भी जब चुनाव लड़ा था, नगर निगम का चुनाव लड़ा, तब भी आरक्षण था। तब से लेके आज तक जितने चुनाव हुए हैं, सभी चुनावों में पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया, लेकिन 2018 के बाद से लेकर आज तक जो स्थिति बनी है, न्यायालय में विभिन्न प्रकार की याचिकाएं दायर हुई हैं। पूरी प्रदेश की जनता इस बात से अवगत है कि उन याचिकाओं के पीछे किसकी क्या मंशा थी, उन याचिकाओं के पीछे किसकी क्या सोच थी, लेकिन इसका नुकसान मध्य प्रदेश की बहुताय बहुसंख्यक जनसंख्या पिछड़े वर्ग के अधिकारों के ऊपर हुआ के बारे में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जो पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाना चाहिए था, जिस मजबूती के साथ रखा जाना चाहिए था, वो प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं रखा। और अब ऐसी स्थिति बन गई है कि स्थानीय निकाय चुनावों में क्या परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, क्या स्थिति बनेगी, कोई जानने को आज बताने की स्थिति में नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिगर आरक्षण पिछले वक्त आरक्षण की चुनाव, जनता दल यू का स्पष्ट आरोप है
कि स्थानीय निकाय चुनाव हो या किसी प्रकार का पिछड़े वर्ग का आरक्षण की बात हो, ना ही कांग्रेस और ना ही भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के पक्ष में रही है। आज की खबर और खबर हम आप तक पहुंचाते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।